अच्छा ये भी ये कुछ घर की बनाई हुई चीज़ें खा लें और हो सके तो अपने भैया को भी खिलाएं। निकलो कार्तिक लेके निकलो, बाय बोलो, जाओ नायरा, जाओ छोड़ने जाओ नायरा, जाओ नायरा, गायू नोटिस करो, गायू नोटिस कर, ओके। हेलो, हाँ मेरी BFF का बर्थडे है, यहाँ पर इनवाइट करने गोइंकाज हाउस में सारी सिंघानियाज आते हैं, हमें इनवाइट करते हैं। कार्तिक काफ़ी सोच रहे कि वो आए या ना आए क्योंकि ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स चल रहे दोनों फैमिली में। समहाउ वो आने आ जाते हैं अपने दोनों भाइयों को लेके यहाँ पे, छोटे से लव और कुश जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फुग्गे से खेल रहे फिलहाल, और उन दोनों के साथ वो फाइनली आते हैं। इससे पहले उनका मार्केट प्लेस पे नायरा से मुलाकात होती है और वो नायरा से झगड़ा करके वहाँ से चले जाते हैं। सो फाइनली दे रीच हियर एंड यहाँ पर भी वो काफ़ी उदास से है। वो केक कटिंग वगैरह में तो है, मिस्ट्री के लिए है, लेकिन पूरे दिल से नहीं है क्योंकि समवेयर देयर इज़ दैट डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर एंड व्हाट इज़ नाउ। सो दोनों चीज़ों में अभी काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, रिलेशंस में थोड़ा खटास आ चुकी है, दरार है थोड़ा बीच में। तो यस, इट विल टेक टाइम, बट वो अपनी BFF के लिए उनके बर्थडे पे सिंघानियाज हाउस में अपने भाई के साथ आ चुके हैं। नायरा बेचारी मार्केट प्लेस में भी इससे पहले मिली थी, वहाँ पे भी सॉरी सॉरी बोल रही थी, अभी भी यहाँ पर सॉरी कह रही है, मगर बात इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे इतनी जल्दी माफ़ कर देना विल नॉट बी पॉसिबल। I don't think love can go wrong anywhere because if you love someone truly you'll always love her, but जो इंसान आपका पहला प्रायोरिटी होता है अगर वो आपसे कुछ गलत बोल दे या कुछ गलत कर दे तो आपको सबसे ज़्यादा दुख उस बात का होता है। तो आई थिंक एक उदास होना भी किसी से एक प्यार का ही एक इक्वेशन है। Thank you. Thank you. You're watching ND Haryana. Yeah. So this is so low.